नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं आज तक भारत। कॉफी विद करण के लेटेस्ट एपिसोड में सारा अली खान और अनन्या पांडे ने शिरकत की। इस दौरान करण ने सारा अली खान से उनके कार्तिक आर्यन संग ब्रेकअप और ब्रेकअप के बाद उनके साथ दोस्ती बनाए रखने को लेकर कई सवाल किए। इस पर सारा अली खान ने खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि उनके लिए यह सब आसान नहीं है। करण जौहर के सवाल पर कि क्या उनके लिए उस इंसान के साथ दोस्ती बनाए रखना आसान है जिसे वे डेट कर चुकी हैं, सारा अली खान ने कहा, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि यह सब आसान है, क्योंकि तब यह उससे थोड़ा सा ज़्यादा अजीब लगेगा। यह हमेशा आसान नहीं होता। जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो दोस्त हो, प्रोफेशनली हो, रोमांटिक तौर पर हो, खास तौर से अगर बात मेरी हो तो मैं इन्वॉल्व होती हूँ और इन्वेस्ट करती हूँ। सारा आगे कहती हैं, ऐसा नहीं है, इससे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जो भी है इसका आप पर असर पड़ता है, लेकिन आखिरकार आपको उससे आगे बढ़ना होगा। सारा ने आगे कहा कि कहना है कि इंडस्ट्री में कोई हमेशा के लिए आपका दोस्त रहेगा या आप कभी किसी से बात नहीं करेंगे, या कोई होशियारी की बात नहीं है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कहा कि परमानेंटली सबसे अच्छी दोस्ती करने, पिंकी प्रॉमिस करना या यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि मैं आपसे फिर कभी बात नहीं करूँगा। सारा ने कहा, ये सब कभी नहीं होता और हमेशा नहीं होता। बता दें कि सारा अली खान और कार्तिक आर्यन ने कुछ समय के लिए एक दूसरे को डेट किया था, हालांकि कुछ समय बाद ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। वहीं अनन्या पांडे भी कार्तिक आर्यन के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, जो कि फिलहाल आदित्य रॉय कपूर को डेट करने के चलते सुर्खियों में है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।